जय हिंद दोस्तों, इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। और ये वाला जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का जो एग्जाम है वहां से, और इसका जो रेफरेंस है वो भी आपको कहां से देखने को मिलेगा, तो जियोग्राफी से इसका रेफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए इसमें आपके पास क्या है, यानी कि एक स्टेटमेंट के फॉर्म में, पूरा पैराग्राफ के फॉर्म में दिया गया, और उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। जैसे कि स्टेटमेंट में दिया गया कि निम्नलिखित क्षेत्र में से एक में से विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है, जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है, और जिसके संभाव्य विनाश में वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस क्षेत्र को घोषित करता है, इनमें से बताना था। जैसे पहला था अमेज़न बेसिन, दूसरा था कॉन्गो बेसिन, तीसरा था किकोरी बेसिन, और चौथा स्टेटमेंट था रियो डे ला प्लाटा बेसिन। यही क्वेश्चन हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया, वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड विच होल्ड अबाउट द 3 ईयर्स वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल एंड द पॉसिबल डिस्ट्रक्शंस ऑफ विच कैन एक्सट्रेट 10 यानी कि 10 डिट्रिमेंटल इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट विच ऑफ द फॉलोइंग डोनेट्स ऑफ द रीजन। ऑप्शन ए था अमेज़न बेसिन, ऑप्शन बी था कॉन्गो बेसिन, ऑप्शन सी था किकोरी बेसिन, और ऑप्शन डी था रियो डे ला प्लाटा बेसिन। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि कॉन्गो बेसिन। कॉन्गो बेसिन की बात करते हैं, जिसे हम वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पेटलैंड के नाम से भी जानते हैं, जिसमें लार्ज अमाउंट में क्या रहता है, यानी कि सिग्निफिकेंट अमाउंट में आपको कार्बन देखने को मिल जाएगा, जो कि डिस्ट्रक्शन रिलीज करता है लार्ज अमाउंट में, जो क्वांटिटीज ऑफ कार्बन, जो कि क्या करता है, अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो एटमोस्फेरिक क्लाइमेट चेंज में वो क्या करता है, उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए जो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।